निकल गया। हेलो, 2.2 वर्जन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप 2.2 वर्जन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद में इसको डी ड्राइव के अंदर पेस्ट करें और इसको राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट हियर पर एक्सट्रैक्ट हियर करें। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद में इसको फोल्डर को खोलें, सर्वर डॉट अपडेट पर क्लिक करें। थोड़ी देर CMD चलेगा और ये आपका वर्जन 2.2 इंस्टॉल हो जाएगा। इसको क्लोज कर दें। डेस्कटॉप पे आइकन है ईमित्र क्यूएस, ईमित्र पे क्लिक करें और ध्यान रहे जब भी आप इसको इंस्टॉल करो पहली बार चलाओ तो 2.2 वर्जन ओनली राजनेट पर ही चलेगा, गूगल या डोंगल पे नहीं चलेगा। इस बात का स्पेशल तौर पर ध्यान रखें। ये 2.2 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। आप क्लिक Emitra Plus लॉगिन करें, वर्जन 2.2 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अपनी आईडी डाल के यहाँ पर लॉगिन करें। उसके बाद लॉगिन करें, सीरियल नंबर बदलना सिलेक्टेड। अब मशीन आपसे अपने मशीन के Emitra Plus के सीरियल नंबर मांगेगी, जो आप इस जगह खाली स्थान पे इसके सीरियल नंबर डालें। ये सीरियल नंबर 43 सीरियल नंबर डालने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक करें। सीरियल नंबर डालने के बाद ही आपके मशीन सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी और आप इस बात का स्पेशल तौर पर ध्यान रखें कि राजनेट से कनेक्ट होने के बाद ही लॉगिन करें। जियो या डोंगल का यूज़ करेंगे आप तो ये लॉगिन नहीं होगा। पहले आप अपनी सेटअप जो है कि 2.2 वर्जन अच्छे में इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। 2.2 वर्जन सक्सेसफुली इंस्टॉल। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो 2.2 वर्जन जो है कियोस अपडेट सेटअप 2.2 इसको सबसे पहले डी ड्राइव में पेस्ट करें। डाउनलोड करने के डी ड्राइव में पेस्ट करें, एक्सट्रैक्ट हियर करें। इसको एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद ही इसमें से सर्वर डॉट अपडेट पर क्लिक करें। उसके बाद में राजनेट से कनेक्ट होने के बाद में इसे लॉगिन करें। ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। थैंक यू।